न्यायालय के एक पूर्ण न्यायपीठ ने अन्य बातों के साथ साथ यह अभी निर्धारित करते हुए आदेश को अभी खंडित कर दिया कि महानिरीक्षक सतर्कता विभाग द्वारा मामले के अन्वेषण का कार्यभार लेने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति से मुख्य सचिव द्वारा दिया गया आदेश अवैध था, क्योंकि महानिरीक्षक सतर्कता विभाग को विधि की दृष्टि में रेलवे पुलिस के पास दर्ज किए गए मामले का अन्वेषण करने का कार्यभार नहीं सौंपा जा सकता था। परिणाम स्वरूप विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऐसे अप्राधिकृत अन्वेषण के पूरा होने तक या चौथे प्रत्यर्थी द्वारा पहले से ही प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्ट पर विचार करना स्थगित करके गलती की। उच्च न्यायालय ने मामले का निपटारा करने के लिए विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अनेक निर्देश दिए। ये दो अपीलें विशेष इजाजत लेकर की गई है, एक बिहार राज्य द्वारा और दूसरे रेलवे के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक मूल प्रत्यर्थी एक द्वारा फाइल की गई है। अपीलों को मंजूर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया, महानिरीक्षक सतर्कता निसंदेह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से यदि विभागवार प्रशासनिक पदानुक्रम में नहीं तो पंक्ति में अवश्य वरिष्ठ अधिकारी हैं। परस्पर विभागीय विभाजन जैसे पुलिस महानिरीक्षक या सतर्कता महानिरीक्षक या अपर महानिरीक्षक CID केवल प्रशासनिक दक्षता के लिए काम का विभाजन मात्र हो सकता है, किंतु पुलिस महानिरीक्षक को कल्पना की किसी भी उड़ान से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ अधिकारी नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 36 में पंक्ति शब्द के प्रयोग से पुलिस अधिकारियों का पदानुक्रम प्रकट होता है। वैसे भी यह स्पष्ट है कि पुलिस महानिरीक्षक को संपूर्ण राज्य में अधिकारिता होती है, क्षेत्र के विभाजन से, किंतु किसी स्थानीय क्षेत्र का सीमांकन न करने से यह उपदर्शित होता है कि महानिरीक्षक की सतर्कता को संपूर्ण राज्य में अधिकारिता होगी। और इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा 1908 वाली संहिता की धारा 4 की उपधारा 1 के खंड ध के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी की गई 6 जून 1973 की अधिसूचना से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ अपराधों की बाबत सतर्कता विभाग एक पुलिस थाना समझा जाएगा, जिसे संपूर्ण राज्य में अधिकारिता होगी। इसके अलावा भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त महानिरीक्षक को संपूर्ण राज्य पर अधिकारिता होती है, जब तक कि इसके प्रतिकूल उपदर्शित न किया जाए। इस प्रकार यदि वह पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में वरिष्ठ अधिकारी है तो धारा 36 की दृष्टि से वह उस
स्थानीय क्षेत्र में सर्वत्र पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिनमें उसे नियुक्त किया गया है, अर्थात संपूर्ण बिहार राज्य में जिसका प्रयोग अपने पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। स्टॉप।